नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। पेंड्रा में किराए न देने पर 5 लड़कियों को बंधक बनाया। मकान मालिक ने सामान जब्त किया। गोरेला क्षेत्र का समेरा गांव का मामला पुलिस ने मुक्त कराकर अपनी निगरानी में रखा। युवतियां स्थानीय फैक्ट्री में ही काम करती हैं। किराया देने के लिए दबाव बना रहा था। राज्य सरकार तय करेगी प्राइवेट स्कूल की फीस। लोगों से मांगे सुझाव। प्राइवेट स्कूल के लिए सरकार लाएगी छत्तीसगढ़ फीस अधिनियम। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया ईमेल आईडी। 15 मई तक दे सकते हैं सुझाव। रायपुर में 15 शराब की दुकानें बंद। प्रदेश में होम डिलीवरी शुरू, मगर आधार नंबर देना होगा। सूरजपुर में क्वारंटाइन सेंटर खोलने का विरोध। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जारी किए गए आदेश। रायपुर में 4 देसी 11 विदेशी शराब दुकानें बंद। प्रदेश में 653 लोगों से एक दिन में बिक्री 35 करोड़ की शराब। होम डिलीवरी के देने होंगे 120 रुपए। कोरबा से 10 साल पहले लापता हुआ बेटा मध्य प्रदेश में मिला। वीडियो कॉल से पिता ने पहचाना। स्याही मुड़ी निवासी लक्ष्मीदास बोल और सुन नहीं सकता। 15 साल की उम्र में हो गया था गायब। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस ने रोका। क्वारंटाइन सेंटर में व्हाट्सएप पे शेयर किया डिटेल। रायपुर से 450 श्रमिक लौटे। झारखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा में रहने वालों को भी जानकारी जुटा रहा है प्रशासन। झारखंड के करीब 1300 श्रमिकों ने पंजीयन करवाया। झारखंड सरकार भेज रही है बस, उन्हें से भेजा जा रहा है वापस। श्रमिकों का किराया देगी राज्य सरकार का। स्पेशल ट्रेन की हो जल्द व्यवस्था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने रेलवे को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से 6074 मजदूरों को वापस लाने का प्रयास। कुर्ला इलाके में सैलून, ज्वेलरी शॉप खुली। महापौर बोली, शराब दुकान खोलने की वजह से लोग मानने को तैयार नहीं। जिले की सीमा के अंदर बीरगांव नगर निगम के तहत आता है यह इलाका। मुख्य शहर से दूरी की वजह से यहां सख्ती का कोई असर नहीं है। कटक से 17 मजदूर चोरी छुपे पहुंचे पिथौरा के हरदी गांव। धमतरी के खोरपा में 2 दिन पहले राजस्थान से लौटा युवक। राजधानी से 8 गांव से पहुंची भास्कर टीम। बाहर से आने वालों से गांव में फैल रही है दहशत। मजदूरी करने छत्तीसगढ़ के बाहर गए लोग चोरी छिपे गांव में दाखिल होने लगे हैं। गांव के बाहर उन्हें रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एसी बंद। अफसर कर्मचारियों के छूटे पसीने। लॉकडाउन के कारण 48 दिन से बंद मंत्रालय और विभाग प्रधान कार्यालय में सोमवार को कर्मचारी लौटे तो उनका सामना गर्मी से हुआ। कोरोना के कारण सेंट्रल एसी को बंद रखा गया, जबकि कमरे में पंखे भी नहीं हैं। भीड़ से बड़ा संक्रमण का खतरा। 44 दिन बाद खुली शराब दुकानें तो लगी लंबी कतार। लॉकडाउन के बाद बंद शराब दुकान शासन के आदेश के बाद 44वें दिन खुली। सोमवार को सुबह 10 बजे जिले की सभी 16 शराब दुकानें में बिक्री शुरू हो गई। व्यवस्था बनाने के लिए सभी शराब दुकानों में स्थानीय जवान तैनात रहे। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।